ग्वालियर की जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए जहां राजनीतिक सरगर्मी पूरे जोरों पर है, तो वहीं चुनावी प्रचार प्रसार में भी कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि ग्वालियर में कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभिनेता राज बब्बर ने विधानसभा 15 से उम्मीदवार सुनील शर्मा के समर्थन में आनंद नगर इलाके में चुनावी आम सभा को संबोधित किया। आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश को स्थिर और सुशासन की सरकार केवल कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी सुनील शर्मा के हाथ मजबूत करने और भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की। देखिए, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैं पिछली बार भी जब आया था तो आपको याद होगा, तब भी मैंने कहा था कि परिवर्तन की लहर है। वो बात है जो है झूठ फरेब और कृत्रिम तरीके से सरकार तोड़ के जो है मामा को वापस ले आए, लेकिन इस बार तो बेचारा मामा। बात यह है, पहले उन्होंने धर्म के नाम पर बांटा लोगों को और अब वो भगवान राम के नाम पर भी बांट रहे हैं। देश में जितने हिंदू हैं उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, हिंदू है, जो भगवान राम में जिसकी आस्था ना हो? तो ये भगवान राम को जिस प्रकार से ये पार्टी में के बाजी में उतार रहे हैं, राजनीति में ला रहे हैं। ब्रजेंद्र तिवारी जी बरसों से जनता की लड़ाई त्याग तपस्या के साथ लड़ रहे हैं। उनका पूरा जीवन सात्विक ईमानदारी कर्मरता से जिया है। अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। हमारे दो साथी ब्रजेंद्र तिवारी जी बरसों मित्र हैं, एक साथ काम किया है। करीब एक महीने पहले ही हम लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। मैंने कहा राजनीति में जिंदा आदमी सन्यास लेना उचित नहीं, जो जिंदा दिल है। पार्टी 13 में छूट गई, आज नहीं छूटी। और अगर आपने सुना हो तो मैंने पेट से बात की है, मैंने कोई बात छुपाई नहीं है। अभी अगर आपने मेरे को सुना हो तो, और आप बराबर मतलब मेरे को आपने बहुत सहयोग किया मेरे आंदोलन में, तो उस समय भी मैं जो बोलता था साफ बोलता था, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या पार्टी के खिलाफ हो, मैं बोलता था। आमतौर पर जब कोई दल का व्यक्ति अगर दल में शामिल होता है तो उस दल को ताकत मिलती है। वही स्थिति हमारे साथ, वो शामिल हुए तो पूर्व में विधायक भी रहे, वहाँ से उनका अपना एक वजूद है, कांग्रेस को जरूर फायदा होगा।